टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर पावर शेयरिंग। अब इस चैप्टर को लर्न कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंट्रीज बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम के जो पॉइंट्स आपने फ्रेम करने हैं आपको आना चाहिए कि स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। इन दिस चैप्टर दिस कंट्रीज कंपेयर्ड विद द स्टेट ऑफ हरियाणा। पॉपुलेशन वाइज भी हरियाणा से कंपेयर किया हुआ है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज बताई हुई हैं, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम लक्समबर्ग, इट्स नॉट वे नव्या, स्टैंड अप एंड रिपीट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम एंड लक्समबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड। तो ये फोर कंट्रीज हैं, फोर ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट देके तीन गलत देके पूछ लेना है कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। अब वहां की आपको पूछी जानी है एथनिक वेरिएशन, तो उसके लिए आपको पहले टू रीजन्स पता होने चाहिए। विच टू रीजन्स? फ्लेमिश एंड फ्लेमिश में कौन? डच। एंड वेलोनिया में? फ्रेंच। कंट्री में अगर हम बात करें तो 59% कौन? द स्पीकिंग। 40% 59% डच एंड 40% एंड 1%। तो ये तो हो गई कंट्री। अगर हम कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स की बात करते हैं, स्टॉप 80% फ्रेंच, 20% डच। तो दिस इज अबाउट कैपिटल सिटी। अब इनमें से फ्रेंच लिव्ड इन वेलोनिया रीजन, वेयर एज डच इन फ्लेमिश रीजन। अब आउट ऑफ दीज फ्रेंच वर पावरफुल एंड रिच। पावरफुल एंड रिच कौन थे? फ्रेंच। While giving powers, higher jobs, government gave all to French speaking, but there were clashes, and then government followed accommodation plan. They amended their constitution four times. अब ये भी one mark question है कि four times. 70 से लेके 1993 गवर्नमेंट अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फोर टाइम्स। 1970 से लेके 1993 हाउ मेनी टाइम्स? फोर टाइम्स। अब इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए? इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू ऑल। मे बी फ्रेंच वर in majority in capital city and in minority in country, but they were given equal rights. सबको equal rights दे दिए government ने। और यहाँ पे एक और government setup की, that was यहाँ पे एक और government setup हुई, third kind of government, community based on। ये third kind of government setup in बेल्जियम। कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बेल्जियम। फिर आपको आ जाना है कि बेल्जियम बिकेम फेडरल कंट्री इन 1993 एंड ब्रुसेल्स बिकेम द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर बन गया यूरोपियन यूनियन का। दिस इज अबाउट बेल्जियम। तो इसके अलावा बेल्जियम में से और तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है श्रीलंका। तो श्रीलंका में आपने सबसे पहले बताना है, वेट